कर दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय मीत हुड्डा की, तो मीत हुड्डा इस समय मनमीत पहलवान के लिए वो सब कुछ रसम करती आएगी कि जो रसम करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों बात की जाए तो उसने पहले बोल दिया था मनमीत पहलवान की मोम यानी इस समय यशोदा से कि ये तो रसम करनी चाहिए शगुन को, क्योंकि शगुन जो कि वो प्यार करती है और वो ही इस व्रत को रखे तो बढ़िया है। जिसके बाद में यशोदा ने बोल दिया है कि सात फेरे मेरे बच्चे के साथ में तूने लिए हैं मनमीत के साथ में, और मैं चाहती हूँ कि तू ही हर रसम पूरी करे। क्योंकि दोस्तों अब आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। मीत हुड्डा को वो सम्मान मिल रहा है कि जो सम्मान मीत हुड्डा को मिलना चाहिए, और मीत हुड्डा कहीं ना कहीं अब खुश भी है। लेकिन जल्दी ही पता लगेगा मीत हुड्डा को कि उसके पापा जी नहीं रहे हैं, यानी कि राजवर्धन जी नहीं रहे हैं, और राजवर्धन की इतनी बड़ी अपडेट अभी तक पहुंची नहीं है इस समय मीत हुड्डा के पास में। लेकिन जल्दी ही मीत हुड्डा को शक होगा, और मीत हुड्डा को ये शक जो हो रहा है ये शक किसी और से नहीं हो रहा, बल्कि आप लोग जानते ही हैं कि ये शक जो कि सम्मान के दायरे में ही हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इधर शगुन बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही है कि आखिरकार ये प्रकृति क्यों कर रही है इस रसम को, जो रसम मुझे करनी चाहिए थी। और आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में जो नया ट्विस्ट देखने को मिला है वो वाकई में दोस्तों इस समय घना ही ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक और नया नज़रिया लेकर आती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें मीत हुड्डा बोलेगी कि मनमीत पहलवान पर मेरा हक है और कोई मुझे नहीं अलग कर सकता। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट।